भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं नैना देवी के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी के नाम पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस द्वारा संकट की इस घड़ी में की जा रही राजनीति की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक बीमारी से निपटने के लिए कांग्रेस को रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी लोगों के मनोबल को गिरा रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस मेडिसिन इमरजेंसी में समाज के प्रत्येक वर्ग को इस बीमारी से निपटने के लिए अपना सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए समय पर एहतियातन सही कदम उठाए हैं। सरकार ने समय रहते केवल शैक्षणिक संस्थाओं को बंद नहीं किया बल्कि धार्मिक आयोजनों से लेकर मेलों पर भी प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा रोजाना हर जिला के उपायुक्त व एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक ली जा रही है तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को राशन सहित जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, बावजूद इसके कांग्रेस नेता बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, विशेषकर उनके विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर लगातार हिमाचल प्रदेश सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन कर्फ्यू की स्थिति में है, जिसके चलते जनता घरों में बंद है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सबको उनकी आवश्यक वस्तुएं मुहैया हो, प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हो। उसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं इन सारी चीज़ों की प्रतिदिन चिंता कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी ये नेता लगातार सरकार की आलोचना करके संकट की इस घड़ी में राजनीति कर रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। आज आवश्यकता है कि हम सब लोग अपने मतभेद बुलाकर, अपनी राजनीतिक दलों की विचारधारा बुलाकर, अपनी धर्म जाति बुलाकर मानवीय कल्याण के लिए सब इकट्ठे होकर इस महामारी से निपटने में अपना अपना योगदान दें। इसलिए मेरा आग्रह है इन नेताओं से कि इस तरह तथ्यहीन आलोचना करके वो जनता को भ्रमित ना करें, इससे जनता का हौसला गिरता है। आज आवश्यकता है कि हम सब मिलकर जनता का हौसला भी बढ़ाएं और इस महामारी से निपटने के लिए अपना अपना योगदान, यथासंभव योगदान दें। वर्तमान हिमाचल सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। समय रहते हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिक्षण संस्थान बंद किए, मेलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया, लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाकर कोरोना महामारी से निपटने में एक कारगर कदम उठाया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी सराहना कर रही है। हमारी केंद्र सरकार ने देश की गरीब जनता को 1,70,000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया। हिमाचल सरकार ने मजदूरों के लिए 2,000 रुपये उनके खाते में डाले। आज उज्ज्वला योजना के जो पात्र लोग हैं उनको 3-3 सिलेंडरों के पैसे उनके खातों में पड़ रहे हैं। इसी तरह से आज केंद्र सरकार ने हर राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए अलग से पैकेज जारी किया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धन्यवाद करती है, उन्हें बधाई देती है। और हमें पूरा विश्वास है कि देश केंद्र सरकार के चलाए हुए रास्ते पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशानुसार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से इस महामारी से निपटने में हम सफल होंगे।